जो फादर थे ही वाज अ कॉमेडियन टीवी आर्टिस्ट। हाँ, आपके आगे फादर जो थे वो टिकटॉक उन्होंने जो है प्रोड्यूस किया था और उसमें नए फादर जो लीड एक्टर होते थे टिकटॉक। हाँ, टीवी आ रहा था। हाँ हाँ, कॉमेडियन थे नए फादर, तनवीर अख्तर खान उनका नाम था। हाँ, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर आपके घर पे शूटिंग हुआ करती थी। मुझे, मैं तो बहुत अच्छे से पहचानती हूँ उनको। तो हुआ ऐसे कि मैं बचपन से प्लेस वगैरह में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी कि मतलब करना है। पापा को पता था कि शी इज गोना डू समथिंग। अच्छा, पापा वाज लाइक वेरी सपोर्टिव टुवर्ड मी। ही वाज लाइक कि तुम्हें करना है। और ऐसा होता था कि लड़कियां बहुत कम है कॉमेडी में। हाँ, ठीक है। तो मेरा ये था कि कॉमेडी इज लाइक एवरीथिंग फॉर मी, बाकी सब भी कर लेती हूँ बट कॉमेडी ब्लड में है ना, लाइक ब्लड में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन से लाइवली बच्चों हर टीवी पे किया कभी कुछ? टीवी पे मैं एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करती थी, टीवी सीरीज करती थी, प्लेस करती थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं डब स्मैश बनाया करती थी। एक डब स्मैश एक एप्लीकेशन थी, आईएस 5 साल पहले बनाती थी मैं वो। तो पापा को बड़ी अच्छी लगती थी। फिर उसके बाद मैं म्यूजिकली पे आ गई थी, लेकिन मैं प्राइवेटली बनाया करती थी। उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा पब्लिक नहीं होती थी। पापा बहुत सपोर्ट करते थे, बट देन आई लॉस्ट माय फादर इज बीइंग लाइक हाफ है। तो फिर मैं काफी ना डिप्रेस हो गई थी। तो फिर मैंने छोड़ दिया था सब कुछ बनाना ये वो। फिर मुझे हुआ कि आई शुड डू समथिंग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माइंड। तो फिर मैं जो हूँ हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी है कमी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ हमने लाइव थिएटर किया और उन्होंने मुझे इतना, मतलब मुझे वहाँ जाके पता चला कि आई हैव समथिंग यार, देयर इन मी के कुछ डिफरेंट है। तो फिर मेरे दोस्तों ने मुझे काफी बोला कि यार अब फिर म्यूजिकली जो है टिकटॉक चेंज हो गया था। तो फिर मैं बनाती आ रही थी तब से। तो फिर जब मैंने पब्लिक किया तो आई गॉट सो मच लव, एंड आई एम लाइक, मुझे खुद भी पता नहीं था कि ये हो जाएगा।